इसका बी नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे भी हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है यदि यह दिया है तब। क्या कह रहा है कि त्रिभुज शीर्ष कोण एंगल बी ए सी का समद्विभाजक आधार बी सी पर लंब हो। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी ए सी का समद्विभाजक मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ ए डी। ए डी क्या है, एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है जो बी सी पर लंब है, जो बी सी पर लंब है। चलिए यह दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है ना ए डी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। और यह भी दिया है कि ए डी जो है ना बी सी पर लंब भी है। चलिए लंब भी है, चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है, यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यह भी हम लोग फिर उसी तरह से लेंगे त्रिभुज ए बी डी और तथा तथा त्रिभुज कौन सा है जी, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। इन दोनों में हमें तीन चीज चाहिए, एक तो शीर्ष कोण का एंगल बी ए सी का समद्विभाजक हो जा रहा है, यानी कि यह कोण आपस में बराबर हो गए, एक 90-90 और एडी उभयनिष्ठ हो गया, तो हो नहीं गया यहाँ से। चलिए एंगल बी ए डी बराबर में एंगल सी ए डी हो जाएगा, क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए डी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, बी ए सी का समद्विभाजक है, ठीक है, इसलिए यह दोनों कोण बराबर हो जा रहा है। अच्छा दूसरा जो है ए डी बराबर में ए डी दोनों में है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और तीसरा चीज हो जाएगा कि एंगल ए डी बी बराबर में एंगल ए डी सी, ठीक है, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी डी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, सर्वांशम हो जाएगा कैसे, तो एंगल साइड एंगल से, देख लो एंगल और उसके साथ संलग्न जो भुजा है एंगल साइड एंगल से हो रहा है, चलिए एंगल साइड एंगल से सर्वांशम, सर्वांशम हो गया तो यहाँ से हम लोग ए बी बराबर में ए सी लिख सकते हैं, सी पी सी पी से, चाहे तो हम लोग यहाँ दो कोण भी बराबर दिखा देते हैं, एंगल बी बराबर सी, तब भी समद्विबाहु हो जाता या भुजा से भी हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हमने साबित करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए अगला